शूज निकाल लेता हूँ भाई मैं पहले। तो भाई पहले ना ये सामान लोड कर लिया थोड़ा सा, ये उस साइड छोड़ के आता हूँ, बाकी फिर उठा लेंगे है ना। और क्या, अब ऐसे ही करना पड़ेगा, दो तीन रिवर तगड़ी क्रॉसिंग होंगी तो इसमें तो पानी ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई सामान को भिगा दो, बट फिर वो भी सही नहीं रहता यार, भिगाना भी है ना। तो अभी मैंने पैंट ऊपर नहीं की, करूँ क्या थोड़ी बहुत। लो भाई, बाकी मुड़ तो नहीं रहा भाई हैंडल, कभी दिक्कत ना हो जाए। चलो भाई करते हैं स्टार्ट अभी। देखते हैं कहाँ से निकाल लूँ, यहाँ सही लग रहा है। हाँ ये सही रहेगा। ओ भाई निकल तो जाएगी आराम से जब एक्टिवा ही निकल गई। ओ भाई क्या चिल्ड पानी है भाई, हा 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 हा। ओ, आराम से निकल गई भाई। यार बैग के होते होते निकल जाती, बेफालतू में हमने ये ड्रामा क्रिएट करवाया किया, मतलब है ना, इतना कुछ था ही नहीं। यार रख देता हूँ बैग एक बार और फिर देखते हैं क्या सीन है, अलग अलग जगह से निकाल के देखूँगा भाई। भाई बहुत 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 फटने वाले सीन है भाई। लो भाई सारी बाइक बिल्कुल न्यूड कर दी मैंने, सारा सामान उतार दिया। अब देखते हैं कहाँ से निकालता हूँ। सबसे खतरनाक मामला कहाँ था? हाँ यार सामान भीगे तो हुआ बट यहाँ से भीगेगा। ओह यार देखिए यहाँ गई है, दोटे की त्रिया बाहर है। अरे बारे बैग पे होगा बच के, वहां भी गड्ढा है। यो सही है बिल्कुल। अरे कुछ भी नहीं है यहाँ तो। तो चप्पल डाल ली मैंने, बाकी ये तो छोटी सी है। पर वो अभी तो रास्ता था, मैंने क्यों ना दिखता पहला रास्ता साफ। अरे ये नहीं दिखा मेरे को, उल्टे काम में मजा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी है। आता है बट फिर अभी मजा लेने वाली सिचुएशन है ना, ये बैग बूग कुकर है इतना सामान है ना, मजा आ जाता। हाँ सुबह ही आना था बिना बैग बैग के। किमसार वाला रूट तो मेरे को लग ही नहीं रहा कवर कर पाएंगे, 2 बजे गए। वही कह रहा हूँ मैं।
अरे सामान सामान साफ साथ है, सेफ तो क्या ही था, सामान परेशान कर देगा ना, तो बिना सामान के होते ना फिर दिक्कत ना थी। लो भैया एक और रिवर क्रॉसिंग आ गई, साइड से निकाल लूँ, ये छोटी सी है, ये तो नॉर्मल, अगला है तगड़ा और इससे अगला और तगड़ा, इससे अगला तो और तगड़ा है। यस सीरियसली सीरियसली यस 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 भाई साहब ये चेंज हो गए हैं तो, नहीं नहीं आगे, हाँ नहीं आगे ना, ना इतने ही थे पर छोटे थे, बड़े छोटे थे पहले। अरे ये दिख रहा और साफ, आगे भी कोई इशू नहीं होगा, देखते हैं ना, अब चलना तो है ही, कुछ गिल्ला विल्ला ना हो, दिखने लग रहा साफ मने। चलो भैया चलो आराम आराम से, आराम आराम से, निकल गई निकल गई निकल गई, लग गया कुछ फिर निकल गई बस। अकेला होगा भी, डर रहे हैं लौंडे होगा भी यार, मैं तो उड़ाते हुए लेके जा रहे हैं लौंडे तो ये। हाँ मेरे तरह सामान ना हो मैं बता दूँ फिर, चाहे दो में पढ़ू है कोई दिक्कत नहीं, बस ये लास्ट है, ये आ गया, इसका देखना पड़ेगा क्या सीन है भाई। अरे बता दो यार, कहा पानी कहाँ से कम है भाई, यहाँ यहाँ से ला 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 ला, मजा आ गया भाई अब की बार। मैं तो एक गेड़ा मार गया हूँ, नजदीक नजदीक तो है ही, सामान आड़ रख दूँ भाई, बंदा तो है ना। आहा वो आ गए, ओहो भाई साहब मजा आ गया भाई, तगड़ा मजा आ गया। चलो भाई पहुंच गए विंध्यवासिनी मंदिर, कुछ खा पी लेते हैं फिर करते हैं बात आगे की। एक और रह गया क्या, अरे वाह, आराम आराम से। ओ भाई ये गहरा है गहरा है गहरा है, बट निकल गई, कोई ऐसी बात नहीं है। ओ भाई पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, आराम से आराम से आराम से। बैग देखियो भीग गए, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत ना। तो भाई अब आगे नवीन की बाइक की बारी, इसका क्या देखें क्या सीन है। तेन चलाऊंगा भी नहीं, ये तो मैं चला रहा था काम काम है, ये देखेंगे भाई क्या कार्रवाई अच्छे की। ओ भाई ए यार अरे कुछ भी ना था यार इसमें थे, ओ भाई इसमें हाँ ऑफ रोडिंग में स्वाद, अब सारा ब्लॉग हरियाणवी में निकलेगा मेरा। आगे तो चले ज्यादा भी पंगे नहीं लेने। ओ भाई ओ भैया जी चलन दो गाड़ी ने, वो कितने का उतरी कितने का, वो हाँ टेढ़ी हो गई वो सही में। हाँ ओ भाई साहब नवीन फंस गया यार, अब मोड़ू कैसे, मैं भी फंस गया, वापिस लेके आनी पड़ेगी। तो यार नवीन फंस गया शायद, ना ना अकेली कहाँ उतरेगी यार, यहाँ आ गए आ गए आ गए।
क्या हो गया? ना ना मैं ना लेते हूँ, मैं खड़ा रहा 5 मिनट ही बाया थे फिर। कोई ना अपनी आप देख लेंगे फिर। एक बाइस पे भी राउंड करना था ना, गियर लगाए हो इसके बस की बात ना है सही में। या तगड़ी है ना मोटे। कोई ना तू गाल दे। ओ भाई ओ या जी मजा आ रहा है यार है ना, सही है। हाँ 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 निकल गई निकल गई निकल गई। अरे वाह ये यार देख कैसे हो जाती है चप्पल। जब ही कह रहा था मैं निकाल लूं। यार पल्सर होती तो मजाक नहीं सीन कर देता यार। कुछ भी यार ये चप्पल क्यों मेरी ऐसी हो रही है। अरे यार ओ भाई बाइक सही है ना मोटे, अभी अपनी वाली अच्छी है वो पता है मेरे को, बट ये फन करने के लिए यार ऐसी सही है। कोई ना अपनी का सामान उतर गया अपनी का पता लगेगा। अब आते टाइम अपनी ले लूंगा ना मैं। ओ भाई मजा आ गया यार बाइक चला के, मजा ही अलग आवे यार। भाई ला ला दिख रहा हूँ कहीं। अच्छा यही है क्या? ऐसा मतलब देख रहा है कैसे चला रहा हूँ उसकी बाइक को। ला ला आ जाएगा आ जाएगा, कहाँ ही रहेगा। करूंगा मैं ओ भाई ओ भाई ओ ये। यार अब तो निकले जाएगी यहाँ से तो भाई, पैर तो रखने पड़ेंगे भाई साहब, बिना पैर रखे तो। निकल गई ओ भाई ये निकल गई भाई। ये आएगी भाई बड़े लाजवाब तरीके से। ये दान दे रहे यार, इन्होंने स्लो डाउन कर दिया यार, स्लो डाउन कर दी। जान दो भैया गड्ढे में जान दो। ओ भाई लिखड़ तो गया अभी। Thank you.
तो भाई शूट तो हो गया यहाँ पे, काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना ली और सब आपको एमटी मुसाफिर इंस्टा आईडी पे मिल जाएंगी मेरी, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे और आ भी रही होगी नीचे तो वहाँ चेकआउट कर लो। और भाई नज़ारे देखो, सनसेट होने वाला है, मस्त फोटो आएंगी सनसेट पे भी। तो चलो भाई अभी चलते हैं अपने, हाँ फ़ोन डाल लिए मैंने। तो चलो भाई अभी सामान रख दिया था वहाँ पे ही, वो जहाँ पे हम पहले रात को रुकते थे, आज तो रुक तो नहीं रहे यहाँ पे, ऋषिकेश रूम बुक कर लिया हमने, तो बस थोड़ा और टाइम स्पेंड करके वहाँ पे, यहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा पीछे एक लोकेशन है वहाँ पे ना लोग कम ही आते हैं, तो थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई बिल्कुल सब गिल्ला हो चुका है, पैंट वेंट घुटनों तक गिल्ली हो रही है, घुटनों से ऊपर इवन। तो ज़्यादा लेट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि भाई फिर ठंड ऐसी लगेगी हवा, या देखते हैं चेंज कर लेंगे वो सही रहेगा, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो भाई फाइनली अभी निकल रहे हैं जंगल से और टाइम हो चुका 5:13। भाई क्या खूबसूरत लग रहा ना शाम को यहाँ का नज़ारा, गजब भाई। एक और क्रॉसिंग रहेगी बस, बस ये क्रॉसिंग रह गई, फिर शायद और कोई क्रॉसिंग नहीं है, ये छोटू सी है यहीं से कर लेते हैं। हो गई, ये तो इजीली होगी यार, कितना गंद मचा रखा ना लोगों ने यार, आते हैं खाते पीते हैं यहीं फेंक देते हैं भाई। क्या क्या व्यू आ रहा है ना, लाजवाब। भाई सब तो डेंजरस एरिया आ गया इब है, एक तो एलिफेंट का क्रॉसिंग एरिया है यो, और ऊपर से टाइगर ग्रास है यार सारी, देख टाइगर ग्रास तो मौत हो गया, टाइगर ग्रास का क्या लेना, कैमोफ्लोज होया करा टाइगर बहुत बढ़िया तरीका। हाँ इनकी इस ग्रास में, यस। और यहाँ हमने डियर भी देखे, पूरा झुंड का झुंड, तो टाइगर के चांस बढ़ जाना है यो। कोई ना, हमें रुकना तो है नहीं, जल्दी जल्दी निकलेंगे, कहाँ है वो साथ में ही है ना बस, ठीक है यार। फोक्स वोक्स तो दिखनी चाहिए यार इस टाइम, क्यों नहीं दिख रही आज, बहुत दिखी थी हमें फोक्स आज, तो कुछ भी ना दिखा है ना, ना डियर तो फिर भी थोड़ा वो है रेयर सा सीन। अरे यार वो सुअर ने क्या कर रहे हैं, अरे वो जंगली सुअर नहीं होते यार, क्या बोलते हैं उनको, होते हैं कुछ, देख 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 देख, पूरा दिख गए साहब, जाते जाते जंगल ने निराश नहीं किया। तो भाई लास्ट रिवर क्रॉसिंग थी, पैर थोड़े गंदे हो रखे थे वो साफ कर लिए मैंने, और अभी बस जंगल से बाहर निकल चुके हैं। और भाई आज क्या दर्शन हुए ना सांबर डियर के, गजब यार गजब। और मेरे को तो वो सांबर डियर लगा, और अगर वो और कोई सा डियर हो तो भाई कमेंट में बता देना जिसको पता है। बाकी हम सही टाइम पे ही निकल लिए यार, अंधेरा क्यों ही करना था मतलब जंगल में। तो भाई अभी मैगी वैगी खाने लग गए थे और टाइम हो चुका है 6:12, और अभी जल रहे हैं होटल की तरफ। होटल यहाँ से है 18 किलोमीटर और 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है भाई, चलते हैं अभी। अभी तो ये कैनाल रोड से ही चलना है हमें, कैनाल रोड के साइड साइड से ही।
फिर देखते हैं आगे कहाँ है ऋषिकेश में। सुबह तो नवीन बता रहा था लक्ष्मण झूला के आसपास है, बाकी देखते हैं अभी। ओ वाह यार, हाँ हाँ कैमरा निकाल लो कैमरा, नहीं दिखेगा नहीं, बट यार ये सही ब्रिज है यार, मैं पहली बार ऐसे ब्रिज से बाइक निकाल रहा हूँ। हाँ मेरी तो ऑन ही है, मैंने तो पहले ही ऑन कर ली थी ये सोच के कि क्या पता कैसा ब्रिज हो, अच्छा हुआ तो अपलोड कर दूंगा वीडियो, नहीं तो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये ब्रिज हिल रहा है। यो ये सस्पेंशन ब्रिज है, लग रहा है मेरे को हल्का फुल्का। ना ना ये वायर्स भी हिलते भाई, ये हिलता तो, ये वायर्स हिल रहे हैं नहीं लग रहा ना। हाँ ये बीच में ये वैसे ही लग रहा है फिर तो। सामने बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है यार, ये कहाँ घुसे बंदा। हाँ हमारा आलोक, हमारी डेस्टिनेशन 2.5 किलोमीटर है, हमें लेफ्ट जाके राइट मुड़ना है। डोंट नो बट बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, मार्केट है ना ये, फ्ली मार्केट है ये यहाँ के। ये हाँ वो शूटिंग क्यों कर रहे हैं यार लोग, हमें यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है हमें ये। चलो भाई पहुँच के दिखाता हूँ, और रास्ते में कुछ अच्छा आता है तो वो भी दिखाते हैं फिर आपको, नहीं तो रूम में पहुँच के बात करते हैं फिर अब भाई। तो यार रूम पे पहुंच के तो भाई बहुत थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, और आज का दिन आपको पता ही एडवेंचरस रहा है, तो भाई उसकी भी थकान थी यार, ऑफ रोडिंग में थकान तो होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अभी मैंने ऋषिकेश में रूम बुक कर लिया था हमने, और रूम मैं आने वाली वीडियोज़ में रूम टूर होटल टूर दोनों चीज़ें दे रहा हूँ, तो उसकी वरीज आप मत करो। अच्छा रूम था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। तो भाई अब कल के दिन है 17 नवंबर, और हम निकल रहे हैं भाई चोपता की तरफ। देखते हैं भाई रास्ते की जर्नी कैसी रहने वाली है, और आप भी बने रहना भाई साथ में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ।